ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 15 मई 2019 बुधवार का दिन है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जिसे मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह अपने आप में सर्वोत्तम एकादशी मानी गई है। मोहिनी एकादशी इसको कहा जाता है। मोहिनी एकादशी के संदर्भ में हमने हमारे चैनल पर एक दूसरा वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र एवं कन्या राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो धनिया खाकर के यात्रा कर सकते हैं। धनिया दाल, सूखा धनिया, हरा धनिया या कोई सा भी धनिया खा करके यात्रा करना शुभ फलदायी सिद्ध होगा। राहुकाल की बात करें तो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक राहुकाल रहेगा और राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर के यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मेष राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, वहीं मंगल मिथुन राशि में, बुध मेष राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ सिंह कन्या, तुला कुंभ और मीन इन 6 राशि वालों की होगी सभी मनोकामनाएं पूरी। दिन इनके लिए सबसे अति उत्तम व्यतीत होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अचानक धन लाभ का योग है, आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी, अच्छे लोगों की संगति से फायदा होगा। आज आप किसी खास नतीजे के इंतजार में धैर्य रखेंगे तो खुश होंगे। कार्यक्षेत्र में आप पूरी ताकत से सभी काम निपटा लेंगे, थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने का योग है, कोशिश करने से सभी समस्याओं को आप सुलझा भी लेंगे और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में जाकर के पीला फल दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। थोड़ा निवेश करने के बारे में विचार करें, किसी अनुभवी से सलाह लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरों की परेशानियों से आप जितनी सहानुभूति रखेंगे आगे चलकर उतना ही फायदा होगा। स्थितियों के अनुसार काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे, आपकी कार्यक्षमता बढ़ने वाली है। कहीं से अचानक आपको उपहार भी मिल सकता है और उपाय के रूप में सुगंधित इत्र यदि आप भगवान हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। सोचे हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, दिन आपके लिए उत्साहवर्धक रहेगा, नए काम की योजना आपकी बन सकती है, मेहनत ज़्यादा होगी और कुछ मामलों में आप किस्मत का साथ भी मिलेगा, कुछ नए संबंधों की शुरुआत होगी और कुछ नए लोगों के माध्यम से आपके उलझे हुए घरेलू मामले भी सुलझ सकते हैं, कई दिनों से रुके हुए काम भी आपके पूरे होने वाले हैं, पारिवारिक संबंध आपके मधुर रहेंगे और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में पीले रंग की मिठाई चढ़ा करके प्रसाद बांटेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। समय अच्छा है, कई क्षेत्रों में आप एक साथ सक्रिय रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए जीवन में कुछ बदलाव आपको करने पड़ेंगे, मन में कई तरह की बेचैनी चलती रहेगी। प्रेमी से अपनी भावनाएं जताने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। अविवाहित लोगों को विवाह का अवसर प्राप्त होगा, मेहनत से धन कमा लेंगे, नए एग्रीमेंट होने की संभावना है। अपने मन की बात कहने से आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा, साथ ही उपाय के रूप में केला खा करके घर से निकलना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। व्यापार व्यवसाय कार्यक्षेत्र में कोई नया निर्णय करना आपके लिए पक्षधर रहेगा, यानी उसमें लाभ होगा। सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, पार्टनरशिप के कामों में सहयोग और सफलता मिलेगी, जरूरी और रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, उलझी हुई स्थितियां आप संभाल लेंगे, कुछ छोटे मोटे विवाद भी सुलझ सकते हैं। आज आप अपना हित देखकर काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में जाकर के पीले रंग का फूल चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा।
अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। मेहनत और बुद्धिमानी से करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज आपको किसी खास मामले में तुरंत कोई फैसला करना पड़ सकता है। ऑफिस में कंपटीशन बढ़ेगा, पार्टनर से सहयोग की आशा रहेगी। उलझे हुए कुछ मामले आपके अपनी बुद्धि और चातुर्यता से निपटाने के अवसर प्राप्त होंगे। ज्यादा सोच विचार में समय न गंवावे। अचानक आपकी परेशानियां बढ़ भी सकती है। रूटीन कामों में कुछ जोखिम बढ़ सकता है। जिद करेंगे तो किसी से फालतू विवाद होने की संभावना है। साथ ही दौड़ भाग अधिक रहेगी। कामकाज में रुकावटें आने के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर के दुर्वा और गुड़ चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कार्यक्षेत्र में नए एग्रीमेंट और समझौते होने की संभावना है। आपका ध्यान किसी दूर स्थान पर ज्यादा रहेगा। ऑफिस में कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी मदद कर सकता है। अच्छी ग्रह स्थिति बन रही है। उलझन भरी स्थितियों का कोई समाधान आप निकाल सकते हैं। आपको बुद्धि और तर्क के दम पर अपने कामों में सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिशन से दूर रहे। जमीन जायदाद खरीदने में जल्दबाजी न करें, नुकसान हो सकता है। अपने आसपास या साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति से लेन देन की बात शेयर न करें। किसी की शिकायत या चुगली करने से आपको बचना चाहिए। पार्टनर आपकी आर्थिक मदद करेगा। आज आप साथ काम करने वाले या अपने से जुड़े किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा आपको नहीं करना चाहिए। लेन देन गुप्त रखना चाहिए। विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत की जरूरत रहेगी। मौसम की कुछ बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। पानी की कमी के कारण आपको कोई रोग भी उत्पन्न हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप सफेद रंग की मिठाई खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए दिन बहुत उपयोगी है। आज आपको यात्रा के अवसर मिलेंगे। आपकी मुलाकात खास लोगों से होगी। आपको नियमित कामकाज में कुछ समय के लिए छुटकारा मिल सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात का योग है, फायदा होगा। आपकी ज्यादातर परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। जिस काम को आप अधूरा समझ रहे हैं वह पूरा हो जाएगा। बड़े लोगों से सपोर्ट मिलेगा। कुछ मौके और समय आप फालतू गंवा सकते हैं। अपनी आदतों को लेकर के सीरियस आपको रहना होगा। कागजी कामकाज में थोड़ी परेशानी आ सकती है। साथ ही आज आप किसी काम को टालेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। परिवार और पैसों के मामलों में थोड़ी सी उलझन उत्पन्न हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप एक लाल रंग का फूल गणेश जी को चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपके किए गए काम किस्मत की मदद से पूरे हो जाएंगे। फायदे की चिंता जरूर करें। कुछ न कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं जिन्हें आपको बिना समय गवाए मानना होगा। आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। साथ ही आपको आत्मविश्वास के साथ कार्य करना आवश्यक रहेगा। विशेष लाभ या उन्नति के योग बन रहे हैं। कुछ कोशिशें आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। आपके कुछ काम बाकी रह सकते हैं। दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत होगा। इससे आपके खास काम अधूरे रह सकते हैं। आपके मन में स्वार्थपूर्ण विचार आ सकते हैं। आज आपके फैसले में कोई दखल भी दे सकता है। इससे आपका मूड खराब होने की संभावना है। और उपाय के रूप में यदि आप हल्दी का दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। दिन सामान्य रहेगा। कामकाज में पूरा दिन निकल सकता है। धैर्य रखें और लोगों की बात ध्यान से सुनते रहें। उनकी कुछ बातें आपके लिए काम की हो सकती है। चुनौतीपूर्ण स्थितियां आपके हित में रहेगी। किए गए काम से आने वाले दिनों में आपको फायदा होगा। आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। सोचे हुए काम पूरे होने के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। कोई नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। थोड़ा टिपिकल या कठिन भरी स्थिति से आपको गुजरना पड़ सकता है। और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में जाकर के यदि आप शक्कर का दान करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। परिवार की स्थितियों में कुछ बदलाव का योग है। आपकी दिनचर्या बदल सकती है। पैसों की स्थिति में अच्छे खासे बदलाव हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध और गहरे हो जाएंगे। रोजमर्रा के काम समय पर पूरे होंगे। बनते बनते काम आपके थोड़े से रुक सकते हैं, अटक सकते हैं। सोच समझ कर फैसला लेने में आपको फायदा होगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। और उपाय के रूप में शंकर जी के मंदिर में दूध का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। कुछ लोगों पर आपका गहरा असर पड़ेगा। दूसरों की मदद करेंगे। आसपास के लोगों की परेशानियां भी आप सुनेंगे तो लोगों की मदद भी आप करेंगे। इस वजह से आप कुछ नुकसान से भी बच सकते हैं। अपनी प्लानिंग गुप्त रखें। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें।
दिन की शुरुआत थोड़ी सी कठिन भरी हो सकती है, लेकिन आपको न चाहते हुए भी कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा और शाम होते होते सारी कठिन परिस्थितियां संभल जाएगी, सारी स्थितियां नियंत्रित हो जाएगी, कामकाज में सुस्ती का माहौल रहेगा। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि आप अपने घर के बुजुर्ग बड़े लोग या फिर घर के देवी देवता को प्रणाम करके निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।